जितने भी किसान आए हैं उनकी बहुत सारी मांगे जो हैं वो सेंटर सरकार के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। उन सभी मांगों को ऑलरेडी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहले भी एक वकील की तरफ, वकील होते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री होते हुए केंद्र के पास रखा था, पर लेकिन केंद्र सरकार एडामेंट है, केंद्र सरकार किसानों के साथ जिद करती है, उनकी मांगे को मानना नहीं चाहते। पंजाब सरकार उनकी जितनी केंद्र सरकार के खिलाफ मांगे हैं उनके लिए बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, और जो पंजाब के जो भी उनके पंजाब के साथ इशू हैं पहले ही बहुत सारी मीटिंग हुई है, अब भी मीटिंग करेंगे और जिनका पॉजिटिव हल होगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, नहीं जब सवाल आएगा तो देख लेंगे, पर लेकिन ऐसा कोई आज कोई ऐसा इशू नहीं है। आज एक जीरो आवर है, एक घंटा जीरो आवर चलेगा, उसमें जितने भी तमाम हमारे विधायक जीत के आए हैं, पंजाब के 117 विधायक हैं, वो अपनी अपनी बात विधानसभा में रख सकते हैं। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज एक बार फिर सिंचाई की जीत हुई है, जो एक झूठा फर्जी केस हमारे नेताओं के खिलाफ विजय नायर जी के खिलाफ बनाया था, आज उसमें विजय नायर जी को जमानत मिली है, तो मैं समझता हूँ ये सिंचाई की जीत हुई है और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी किसान आए हैं उनकी बहुत सारी मांगे जो हैं वो सेंटर सरकार के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। उन सभी मांगों को ऑलरेडी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहले भी एक वकील की तरफ, वकील होते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री होते हुए केंद्र के पास रखा था, पर लेकिन केंद्र सरकार एडामेंट है, केंद्र सरकार किसानों के साथ जिद करती है, उनकी मांगे को मानना नहीं चाहते। पंजाब सरकार उनकी जितनी केंद्र सरकार के खिलाफ मांगे हैं उनके लिए बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, और जो भी उनके पंजाब के साथ इशू हैं पहले ही बहुत सारी मीटिंग हुई है, अब भी मीटिंग करेंगे और जिनका पॉजिटिव हल होगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, नहीं जब सवाल आएगा तो देख लेंगे, पर लेकिन ऐसा कोई आज कोई ऐसा इशू नहीं है। आज एक जीरो आवर है, एक घंटा जीरो आवर चलेगा, उसमें जितने भी तमाम हमारे विधायक जीत के आए हैं, पंजाब के 117 विधायक हैं, वो अपनी अपनी बात विधानसभा में रख सकते हैं। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज एक बार फिर सिंचाई की जीत हुई है, जो एक झूठा फर्जी केस हमारे नेताओं के खिलाफ विजय नायर जी के खिलाफ बनाया था, आज उसमें विजय नायर जी को जमानत मिली है, तो मैं समझता हूँ ये सिंचाई की जीत हुई है और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने भी किसान आए हैं उनकी बहुत सारी मांगे जो हैं वो सेंटर सरकार के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। उन सभी मांगों को ऑलरेडी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहले भी एक वकील की तरफ, वकील होते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री होते हुए केंद्र के पास रखा था, पर लेकिन केंद्र सरकार एडामेंट है, केंद्र सरकार किसानों के साथ जिद करती है, उनकी मांगे को मानना नहीं चाहते। पंजाब सरकार उनकी जितनी केंद्र सरकार के खिलाफ मांगे हैं उनके लिए बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, और जो भी उनके पंजाब के साथ इशू हैं पहले ही बहुत सारी मीटिंग हुई है, अब भी मीटिंग करेंगे और जिनका पॉजिटिव हल होगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, नहीं जब सवाल आएगा तो देख लेंगे, पर लेकिन ऐसा कोई आज कोई ऐसा इशू नहीं है। आज एक जीरो आवर है, एक घंटा जीरो आवर चलेगा, उसमें जितने भी तमाम हमारे विधायक जीत के आए हैं, पंजाब के 117 विधायक हैं, वो अपनी अपनी बात विधानसभा में रख सकते हैं। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज एक बार फिर सिंचाई की जीत हुई है, जो एक झूठा फर्जी केस हमारे नेताओं के खिलाफ विजय नायर जी के खिलाफ बनाया था, आज उसमें विजय नायर जी को जमानत मिली है, तो मैं समझता हूँ ये सिंचाई की जीत हुई है और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ।